जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है आपकी तैयारी, आपकी गर्मजोशी एग्ज़ाम के लिए बढ़ती जा रही होगी। तो इकोनॉमिक्स का ये जो PYQ सीरीज़ है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ है इकोनॉमी का, है ना, वो भी सिर्फ PCS का जो बाइलिंगुअल में होगा। अभी अगले दो तीन वीडियो में मैं बताता रहूँगा, क्योंकि हो सकता है आप इसी वीडियो से आप स्टार्ट कर रहे हों, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी भी PYQ रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ करके सिर्फ बुक्स और टेस्ट पर रिलाई कर सकते हैं, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ये जो इसका इकोनॉमी का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें, जो फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें क्या है आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक था, जो अगला हमारा क्वेश्चन था, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पे था, ठीक ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पे था जो हमारा क्वेश्चन है। तो ये देखिए अलग अलग समय में लागू हुआ। पहले तो हम देखते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जो क्रॉप्स कवर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पहला क्वेश्चन इसी से पूछता है कि क्रॉप कवर्ड अंडर NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो वो है, सबसे पहला है राइस। सबसे पहला क्या है, राइस, ठीक। फिर दूसरा व्हीट, पल्सेस, ये देखिए ऐसे समझ लीजिए ना, दाल चावल रोटी, है ना, व्हीट से, गेहूं से रोटी बनती है, राइस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दाल। तो ये हो गया दाल चावल रोटी, ये तीनों हो गए। ये याद करने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आप राइस व्हीट पल्सेस ही याद कीजिएगा, है ना। अगला क्या है, क्वार सीरियल्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑयल सीड्स, फिर ऑयल पाम। तो जो इतनी चीजें हैं वो क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत कवर्ड की गई हैं, क्योंकि ये मानी जाती हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये है क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये क्यों लाया गया, है ना, क्यों लाया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखिए पहला तो 2007 में लाया गया ये, और लाया क्यों गया, ताकि ये जो क्रॉप्स हैं ना, ये जो क्रॉप्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं भैया, पेट पालने के लिए ही तो आदमी सब सारी चीज़ें कर रहा है ना। तो पेट में अन्न नहीं रहेगा तो फिर बात कैसे बनेगी, यानी कि फूड सिक्योरिटी, यानी कि इतना तो होना चाहिए ना कि कम से कम हमें भोजन सही मिल पाए, कम से कम हमारा देश, हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो सरकार है, कम से कम हमें इतना तो दे पाए, हमारे लिए इतना तो कर पाए कि कम से कम हमारा पेट भरा रह सके, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी, ताकि आपको भोजन कम से कम उपलब्ध हो सके। तो ये जो क्रॉप्स हैं उनका एरिया एक्सपेंड करके, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करके, है ना, जो सॉयल फर्टिलिटी है, जो सॉयल फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करके, है ना, और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या किया जाए, आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये किन किन क्रॉप्स पे लाया गया है आपको ऊपर बता दिया गया। चलिए अगला क्या है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो कहीं मैंने बताया क्या कि क्रेडिट फैसिलिटी ये फार्मर को प्रोवाइड करेगी, नहीं ना, तो क्रेडिट फैसिलिटी इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाता है इस मिशन के अंतर्गत, ठीक। देखिए जो स्टेट फूड कमीशन है, एक स्टेट फूड कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के ही तहत एक्ट किया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि जो NFSA है,
जो एनएफएससी एक्ट है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। स्टेट फूड कमीशन एनएफएससी एक्ट 2013 जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर चैप्टर चल रहा है इकोनॉमी का, ब्रीड पे, ये ब्रीड कौन सी, ये जमुना परी कौन सी ब्रीड है, किस चीज़ की ब्रीड है, सिंधी, थापरकर, भदवारा, ये किस चीज़ की ब्रीड्स है। तो जमुना परी जो है वो है गोट की, जो बकरियां होती हैं ना उनकी ब्रीड है ये जमुना परी। ये सिंधी, सिंधी और थापरकर ये दोनों गायों की ब्रीड है, काउज की, और ये ब्रीड है बुफैलो की, है ना, ये ब्रीड है किसकी, बुफैलो की। नेक्स्ट रिवोल्यूशंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, है ना, सफेद क्रांति, लाल क्रांति, हरित क्रांति, ये सब किस लिए क्रांतियाँ की गई हैं, ये रिवोल्यूशंस किससे रिलेटेड हैं। तो ब्लू किससे रिलेटेड है, ब्लू रिलेटेड है फिश से, वाइट मिल्क, जिसका जो कलर है लमसम वही कलर क्या किया गया है, मिलता जुलता बना दिया गया है, उसी का रिवोल्यूशन, उस कलर से मिलते जुलते। अब जैसे देखिए ये जल कैसा होता है, किस कलर का, ब्लू, मिल्क वाइट, रेड मीट और टोमेटो दोनों के लिए, मीट प्लस टोमेटो दोनों के लिए, रेड रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर फूड ग्रेन्स, है ना, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं। येलो, येलो रिवोल्यूशन किस लिए, पीले कलर का क्या होता है, सरसों, है ना, ऑयल सीड, सरसों तेल किस लिए, किस कलर का होता है, पीलापन होता है ना उसमें, तो येलो, ठीक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश कौन है, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, बताएंगे या बताइए, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमें कि कौन है, चाइना है, देख के बताइएगा, चाइना ही है ना। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, देखिए ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक ना। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, हु इज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये हैं नॉर्मन बारलोग, नॉर्मन बारलोग हैं जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, कहाँ के ये थे, अमेरिका के, कहाँ के थे, अमेरिका के, है ना। और इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इज एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो इनका हो गया नॉर्मन बारलोग, है ना, और इनका क्या हो गया, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड क्या है, व्हाट इज दिस ऑपरेशन फ्लड, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये ऑपरेशन फ्लड, है ना, ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध का इतना ज़्यादा उत्पादन करना है कि फ्लड लाना है, ठीक ना। एक तरह से ये ऑपरेशन फ्लड किस लिए लाया गया, मिल्क के लिए, ठीक। वेट फॉर अ सेकेंड, है ना, तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, मिल्क से। नेक्स्ट, मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन से जिन राज्यों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ वो कौन कौन से हैं,
पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। कौन कौन है? पंजाब, ठीक, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ठीक, मैं बोलता हूँ तो जिनको नोट्स बनाना है वो नोट्स बना लें, ठीक ना। ये एकदम से स्पेलिंग का वेट ना करें, ठीक है ना, कि बिल्कुल एकदम एक एक अक्षर, क्योंकि मैं लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि स्किड करती है पेंसिल इस पे। नेक्स्ट, ये हो गया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज़ फंडेड इन इंडिया बाय। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट क्या है? ये नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, और ये किसके द्वारा फंड किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड किया जाता है। ये किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड किया जाता है। सिस्टम फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक ना। ये क्या है कि टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है जिसके द्वारा एक जो एग्रीकल्चर में जो परफॉर्मेंस, जो बेटर परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जा सके, उसको असेसमेंट उसका किया जा सके, ठीक ना। इसके लिए लगाया गया है इसके इसको। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो क्रॉप पे इंश्योरेंस लाया गया। कब लाया गया ये? कब लाया गया? 1985 में। और इसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? नेशनल एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। इसका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो 1985 में लाई गई थी, इसी का नाम बाद में बदल दिया गया नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जो कि रबी और खरीफ क्रॉप पे अलग अलग लाई गई। रबी और खरीफ क्रॉप पे, दोनों क्रॉप पे अलग अलग लाई गई। रबी क्रॉप पे कब लाई गई? 1999 में। रबी क्रॉप पे कब लाई गई ये? तो इसका क्या हो जाएगा डेट? 1985। और इसका रबी पे लाई गई 1999 में, ठीक। और इस पे लाई गई खरीफ में 2004-5 में। नेक्स्ट, हरियाली योजना क्या है? ये क्या है? हरियाली योजना, हम जो हमारा जल है, जो हमारा वाटर है, उसको कैसे बेहतर तरीके से हम उसको मैनेज कर सकें, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें, इसी के लिए लाई गई है हरियाली योजना। नेक्स्ट, विशेष कृषि उपज योजना। विशेष कृषि उपज योजना ये लाई गई है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो हमारा कृषि से उत्पादित जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके एक्सपोर्ट को थ्रस्ट दिया जा सके, उसके एक्सपोर्ट को एक थ्रस्ट दिया जा सके, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, ये कब लाया गया? NLRMP, ये कब लाया गया? लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ताकि सभी के पास कितनी भूमि है उसका एक सही सही रिकॉर्ड रखा जा सके। ये कब लाया गया? 2008 में, 2008। नेक्स्ट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये है वेर इरिगेशन इज वेरी लेस, यानी 30% बिलो, टू इंश्योर एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन रेनफेड एरिया। यानी कि हिंदी वाले समझ लें कि जो रेनफेड मतलब समझ रहे हैं, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी 30% से भी कम है ना, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी 30% से भी कम है, वहां पे रेनफेड प्रोग्राम चलाया जाता है वहां पे, ताकि हम जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसको इंश्योर कर सकें, ठीक ना। नेक्स्ट है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश्ड बाय। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ICAR द्वारा, है ना, ICAR द्वारा पब्लिश किया जाता है ये। और ये है क्या हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर? इसमें होता क्या है? सभी फैक्ट फिगर होते हैं किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए,
सारे इंटरेस्टेड जितने भी लोग हैं फार्मिंग के लिए, उसमें फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में, कि कहाँ की भूमि कितनी उपजाऊ है, वहाँ पे क्या उपजाया जा सकता है, कैसे उपजाया जा सकता है, किस तरह की मिट्टी में कितना फर्टिलाइज़र, कितना नाइट्रोजन, पोटेशियम, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सभी लगभग फैक्ट फिगर होते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट है यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है ये? लखनऊ में। नेक्स्ट है नाफेड। नेक्स्ट क्या है? नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, नाफेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नाफेड का? ताकि जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है ना एग्रीकल्चर में, उसको बढ़ाया जा सके और उसका लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके, है ना। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब सहकारी मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सके कृषि में, और इससे इसका लाभ कृषकों तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्या है? इफको, IFFCO, इफको क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, है ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। ताकि नए नए शोध करके नए नए तरह के फर्टिलाइजर्स लाए जा सके, और किस एरिया में कौन सा फर्टिलाइजर पड़ेगा तो वो उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, इस चीज़ पे रिसर्च कर सके, इसके लिए क्या लाया गया? इफको, है ना, इसी के लिए क्या लाया गया? इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट है इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड बाय। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, उनको इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, उसका जो मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है, किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है? तो वो एक्ट है APMC एक्ट, APMC एक्ट। अब क्या है ये APMC एक्ट? इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। APMC का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक ना, देखिए क्या है ये APMC एक्ट, इस बात को समझिए। पहले क्या होता था ना कि जो किसान किसान मान लीजिए उनका उनके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, दाल चावल जितना भी उन्होंने उगाई चीज़ें, है ना, उसको क्या करते थे, वो साहूकार के पास लेकर के जाते थे, जमींदारों के पास लेकर के जाते थे, है ना, जो बिचौलिए होते थे उनके पास लेकर के जाते थे। उनके पास कोई किसी तरह का मार्केट नहीं हुआ करता था कि उनके प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। भाई पैसे की ज़रूरत तो है ना, चाहे फर्दर प्रोडक्शन के लिए और या फिर अपना घर चलाने के लिए, है ना, तो पैसे की ज़रूरत तो है ही है, तो अपना प्रोडक्ट कहीं तो ले जाके वो बेचेंगे, तो कोई इस तरह का मार्केट तो था नहीं, है ना। तो वो क्या करते थे, जमींदारों के पास लेके जाते थे कि आप ले लीजिए एक बार में, फिर आप इसको बेचिए। चाहे जो बिचौलिए होते थे वो उसमें मतलब उनका बहुत सारा हिस्सा खा जाते थे कि नहीं हम इतने में ही, तो बहुत सस्ते में ही, जब भी मोनोपोली होगी मार्केट में तो चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी, बहुत सस्ते, या तो मतलब कंज्यूमर के लिए बहुत महंगा हो जाएगा और जो बेचने वाले हैं उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो जो कृषक है वो कहीं ना कहीं तो उनको ले जाकर के बेचना ही, तो वो कहाँ ले जाके बेचेंगे, आप खुद सोचिए। तो क्या किया गया कि ये बिचौलियों को, जमींदारों को इनके अत्याचारों से बचाने के लिए क्या किया गया, एक APMC एक्ट लाया गया, जिसमें क्या बोला गया कि एक मार्केट इस्टैब्लिश किया जाएगा, एक मंडी इस्टैब्लिश की जाएगी, है ना, और मंडी में कुछ अधिकारी होंगे, कुछ वहाँ पे क्या होगा मतलब जो बड़े व्यापारी हैं वो होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, और वो जा करके वहाँ पे खरीद फरोख्त करेंगे, वो जाके वहाँ पे, और जो खरीदारी भी होगी वो भी कैसे होगी, बोली लगा करके होगी, ऑक्शनिंग होगी उसकी, है ना, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा यानी उसको ही वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा। तो क्या किया गया, एक मंडी इस्टैब्लिश की गई बाद में इसी एक्ट के तहत, और इस एक्ट में जो कुछ चीज़ें और लाई गई थी वो क्या लाया गया था कि इसमें कुछ फीस रखा गया, इसमें कुछ फीस रखा गया जो कृषक देंगे, और उस फीस के माध्यम से क्या किया जाएगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इसमें कोल्ड स्टोरेज डेवलप किया जाएगा, ताकि
ताकि जो इनके प्रोडक्ट है ना उनको सही लंबे समय तक बचा करके रखा जा सके। ठीक, तो जितने लंबे समय तक बचा के रखा जा सकेगा उतनी जितनी सुविधाएं होंगी उतना ज़्यादा खरीदारी यहाँ पे की जाएगी, तो कृषक यहाँ पे मंडी में लाके बेच सकें अपने प्रोडक्ट्स को। इसलिए क्या लाया गया, APMC। हालांकि ये इतना सफल नहीं रहा है ना आगे चल करके। नेक्स्ट आगे क्या है, गोल्डन राइस इज रिच इन। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो है विटामिन ए। नेक्स्ट है डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फाउंड टू बी, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कैसा होता है, कैसा होता है वो इन इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक होने का मतलब क्या है, इन इलास्टिक की चेंज इन प्राइस डज नॉट इफेक्ट मोर इन डिमांड। इन इलास्टिक मतलब कि अगर इनके मूल्य में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया, कुछ ऊपर नीचे किया गया, तब भी इनके डिमांड में कोई बदलाव नहीं होता है। भाई अगर चावल महंगा हो जाएगा तो आप खाना छोड़ देंगे, क्या खाएंगे? दाल महंगी हो जाएगी तो खाना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए इनके डिमांड को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, पंत नगर उत्तराखंड, उत्तराखंड के पंत नगर में है ना। तो आज तक का लेक्चर अभी यहीं है ना, थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर चलेगा अभी स्टार्टिंग में 2-4 दिन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का छूट जा रहा है ना, छूट जाएगा। तो 1-2 लेक्चर बाद फिर इसकी हम टाइमिंग बढ़ा लेंगे है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।